I love you, Papa. I love you too, my daughter. आमिर खान की वह कौन सी फिल्म थी जिसमें था बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन? आखिर किस तरह की परेशानियां हुई थी फिल्म की एडिटिंग में? क्या आमिर के सर पर चढ़ गया था शोहरत का बुखार? परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना आज भी इतने जोर के दिल पर लगता है कि आपको आपके अधूरे प्यार की याद आ जाती है। ये गाना 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का है, जिसमें राजा के रूप में आमिर खान नजर आए थे और इनकी ऑपोजिट रेड ड्रेस में नजर आई थी करिश्मा कपूर। फिल्म आमिर खान हो तो जाहिर है कुछ तो खास होगा ही। राजा हिंदुस्तानी भी आमिर की सुपर हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को रिलीज हुए आज 25 साल हो गए। फिल्म तो मजेदार थी ही, और साथ ही आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी को भी लोगों ने पसंद किया था। राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। हम आज फिल्म से जुड़ी कुछ मजेदार बातें लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपको भी काफी मजा आएगा। असल में राजा हिंदुस्तानी का सबसे हिट गाना परदेसी परदेसी हॉलीवुड फिल्म वी फॉर वेंडेटा के गाने का ही हिंदी रीमेक था। ये गाना लोगों को खासकर काफी पसंद आया था। वहीं इस फिल्म के लिए पसंद करिश्मा कपूर नहीं ऐश्वर्या राय थी। उनसे बात भी की गई थी, लेकिन तब ऐश पहले ही अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। जब से ये पहली बार बनकर तैयार हुई थी तो 4 घंटे 25 मिनट की थी, लेकिन बाद में इसे छोटा कर दिया गया था। करिश्मा कपूर और आमिर खान का राजा हिंदुस्तानी में किस बॉलीवुड का सबसे लंबा किस माना जाता है? फिल्म राजा हिंदुस्तानी की इसी सीन के लेकर करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय इस बोल्ड सीन को करना मेरे लिए काफी बड़ा फैसला था। हालांकि ये सीन आज भी फैंस के बीच काफी चर्चित है। इस सीन को करने में मेरी हालत इतनी खराब हुई थी जिसका अंदाजा सिर्फ हमें है। चंद मिनटों के सीन के लिए 3 दिन लग गए थे। आपको यह भी बता दें कि आमिर खान इस फिल्म के पहले 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड के नॉमिनेट हुए थे, लेकिन उन्हें पहला फिल्मफेयर राजा हिंदुस्तानी से ही मिला था। इस फिल्म का दूसरा हिट गाना कितना प्यार तुझे रब ने बनाया, असल में नुसरत फतेह अली खान के एल्बम का गाना कितना सोना तुझे से लिया गया था। इस गाने को 2017 की फिल्म ओके जानू के एक गाने इन्ना सोना के रूप में फिर से पेश किया गया। और रीमेक तो आजकल बॉलीवुड का एक पुराना समस्या बन गई है कि भाई तुम रीमेक बनाओ और फिर लोगों के सामने पेश करो, जिसे लोग ना चाह के भी पसंद करना पड़ता है। इस फिल्म में पेश के बाद जूही चावला को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर उस समय आमिर और जूही के बीच प्रॉब्लम चल रही थी। आमिर चाहते थे कि इस फिल्म में कोई ऐसी एक्ट्रेस को लाया जाए जिसके साथ उन्होंने पहले काम ही नहीं किया हो। आमिर उस समय एक मशहूर और वर्सटाइल अभिनेता के रूप में उभरे थे, इस वजह से निर्देशक को उनकी बात माननी पड़ी। आमिर खान खुद भी पहले इस फिल्म को रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन बाद में जब आमिर खान को धर्मेश दर्शन ने गारंटी दी कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, तभी आमिर ने फिल्म के लिए हाँ कहा। राजा हिंदुस्तानी के साथ सनी देओल की घातक रिलीज हुई थी, और मजेदार बात तो ये है कि दोनों ही फिल्म जबरदस्त हिट रही। अगर आमिर की आज की फिल्मों की बात करें तो जहां 90 से आमिर खान एक दुबले पतले लवर बॉय की छवि में याद आते हैं, तो आज उनके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म दंगल में जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिल्म पीके में एक एलियन का किरदार निभाना, हमेशा अपने किरदारों में जान फूंकने का दम रखते हैं आमिर। हाल ही में आई खबर के मुताबिक आमिर कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी रोकनी पड़ी। अभिनेता ने 2 साल पहले कंफर्म किया था कि वह टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार पर आधारित फिल्म मुगल में लीड करना प्ले करेंगे। इसके साथ ही आमिर खान इस फिल्म के सह निर्माता भी हैं। टी सीरीज के जो है हेड और गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने इस फिल्म की रिलीज को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना था कि आमिर खान फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में व्यस्त हैं। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद वे मुगल पर काम करेंगे। भूषण कुमार का कहना था कि फिल्म मुगल की जो राइटिंग में वे खुद भी शामिल हैं। उनका कहना था कि वे उनके लिए कुछ अच्छा अनुभव है, क्योंकि वह उनके पिता की बायोपिक है। उन्होंने बताया कि फिल्म की जो स्क्रिप्ट पर काम पूरा हो चुका है और अब तक कुछ समय के बाद इसकी शूटिंग शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म लॉकडाउन के चलते डिले हो गई है। बात करें करिश्मा कपूर की फिल्म करियर की, तो एक समय में चुलबुली अंदाज में गोविंदा के साथ ठुमके लगाने वाली करिश्मा कपूर ने जुबैदी, फीजा, खुदार, शिकारी और बाज जैसी सीरीज सीरियस फिल्म्स पर भी अपने चौंका कर रख दिया था।
लेकिन अपनी शादी और बच्चों को देखरेख के चलते करिश्मा कई समय के लिए फिल्मों से दूर रही। हालांकि कई बार उन्हें टीवी विज्ञापनों में जरूर देखा गया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बड़े पर्दे से दूरी बनाई रखी। लेकिन फिर अटल बालाजी और एकता कपूर ने करिश्मा की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 की वेब सीरीज मेंटल हुड की। मेंटल हुड एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के चलते बच्चों की परवरिश पर कितना असर पड़ता है ये दिखाने की कोशिश की गई। वेब सीरीज में करिश्मा के अलावा जो है तिलोत्तम सोम, श्रुति सेठ, संध्या मृदुल, शिल्पा शुक्ला और डीनो मौर्या भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन करिश्मा कोहली ने किया है। वापस आते हैं 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी पर, जिसने ऊंच नीच, आमिर की गरीबी के दीवार को मोहब्बत से तोड़ दिया था। फिल्म में राजा एक छोटे शहर का टैक्सी ड्राइवर होता है, तो करिश्मा कपूर बड़े शहर से छोटे से हिल स्टेशन पर उतरी एक परी थी। फिल्म ने उनके अलावा जॉनी लिवर, नवनीत निशान, टीकू, तलसानिया, फरीदा, जलाल, सुरेश, ओबरॉय भी हैं और साथ ही राजा का राइट हैंड यानी कि रजनीकांत के किरदार में आपको कुणाल खेमू इस फिल्म में नजर आएंगे। कुणाल ने बतौर चाइल्ड एक्टर कई फिल्में की काम किया है। आमिर खान ने फिल्म में उन्होंने 1993 में हम है राही प्यार के में भी अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने अजय देवगन, पूजा भट्ट अभिनेता फिल्म जखम और सुनील शेट्टी की फिल्म भाई में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर राजा हिंदुस्तानी के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन इस फिल्म के लिए आमिर खान को राजी नहीं किया जाता, तो क्या आप किसी दूसरे अभिनेता को इमेजिन कर सकते हैं यह डायलॉग बोलते हुए कि यू कम मेम साहब? बिल्कुल भी नहीं। जिस मासूमियत की राजा हिंदुस्तानी को जरूरत थी वे आमिर खान ही थे। वहीं इतने सालों बाद क्या इस तरह से कोई और अतरंगी लव स्टोरी या दर्द भरी जुदाई किसी फिल्म में देखने को मिल सकती है? हमें तो नहीं लगता, लेकिन होकर भी तो कुछ भी हो सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिल्म से आपकी पसंदीदा किरदार कौन थे और कौन सा सीन आपका फेवरेट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।